हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशु जैन, हेड ऑफ पेन मेडिसिन एंड पैलेटिव केयर आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव। आज मैं आपको सिंपल डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि ये जो हमारा रुमाल है इसको कैसे हम एक इफेक्टिव फेस मास्क के रूप में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो समझने की है, सब लोग क्या कर रहे हैं कि इसको ऐसे फोल्ड करते हैं दो लेयर वाला और इसको ऐसे मुंह पे बांध लेते हैं। ये बिल्कुल बेकार है, इससे आपको कोई इफेक्टिव प्रोटेक्शन नहीं मिलती, क्योंकि हमें मिनिमम 4 लेयर चाहिए कपड़े की। तो उसको बनाने के लिए कैसे सिंपल तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं, देखें। यहाँ पे इसके बजाय इसको ऐसे बीच में फोल्ड करें, पहला फोल्ड ऐसे नीचे वाले को ले आए, ये दूसरा फोल्ड हो गया, दो फोल्ड हो गए तो ये 2 लेयर हो गई। इसको फिर अपने ऊपर इसके ऊपर फोल्ड कर दीजिए तो ये 4 लेयर हो गई। अब इसमें दोनों एंड पे हम रबर बैंड डाल देते हैं। बहुत ही सिंपल है, रबर बैंड, कोई भी रबर बैंड जो आपके घर में हो उसको आप यूज कर सकते हैं। और रबर बैंड डालने के बाद इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए, तो एक्चुअली ये 8 लेयर हो गया। इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए। अब इसको बड़े आराम से साइड से पकड़िए, ऐसे उठाइए और अपने फेस पे ऐसे लगा लीजिए और देखिए कि कितना इफेक्टिव आपका फेस मास्क बन गया। और इसकी इफेक्टिविटी इस COVID-19 के टाइम में बहुत बढ़िया है और बिल्कुल चीप है। तो जब भी घर से बाहर जाएं इसको निकालें। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है, आप ऐसे मल्टीपल दो तीन मास्क बना लें और ये वेट हो जाए तो इसको धो के धूप में सुखा के, क्योंकि आजकल धूप अच्छी है, और फिर इस्तेमाल करें, उसको रीयूज ना करें। और इस तरह से बहुत ही बिना किसी पैसे के आप बहुत इफेक्टिव फेस मास्क घर में बना सकते हैं। थैंक यू।